शाहरुख खान की डर एक साइको थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत लड़की किरण होती है, जो सुनील नाम के एक साहसी बहादुर नेवल कमांडर से प्यार करती है। किरण की जिंदगी में सब कुछ होता है, माँ बाप के रूप में एक भैया भाभी, एक बड़ा घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक लॉयल बॉयफ्रेंड सुनील। किरण का बॉयफ्रेंड सुनील एक साहसी नेवल कमांडर है, एक मस्कुलर बुलंद आवाज़ वाला जाबाज सैनिक। सुनील के माँ बाप नहीं होते, सुनील अकेला है, सुनील के जीवन में भी कोई दुख नहीं होता। किरण और सुनील जल्द ही शादी करने वाले हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने आ जाता है राहुल। राहुल एक अकेला रहने वाला लड़का, खुद की दुनिया में गुम रहने वाला। राहुल की माँ नहीं होती और बाप से शायद राहुल सब कुछ शेयर नहीं करता। राहुल किरण का पीछा करने लगता है और किरण को फ़ोन करके परेशान करने लगता है। राहुल के कारण किरण की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। किरण हर पल डरी डरी रहने लगती है, यहाँ तक कि फ़ोन की आवाज़ सुनकर किरण सहम जाती है। मगर राहुल ऐसा करता क्यों था? क्या राहुल पागल था? क्या उसे प्यार करना और जताना नहीं आता था? फिल्म के शुरुआत से ही ये साफ समझ में आने लगता है कि राहुल किरण के लिए ऑब्सेस्ड है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। राहुल किरण के लिए अपने ऑब्सेशन को बार बार रीअश्योर भी करता रहता है। छत के रेलिंग पर चलकर, फूल की पंखुड़ी को तोड़कर, किरण मेरी है, किरण मेरी नहीं दोहराकर। ये साफ है कि राहुल एक साइको है जो अपने ऑब्सेशन को प्यार का नाम दे रहा है। पूरी फिल्म राहुल अपना ज़्यादा समय अपने कमरे में अकेले ही रहता है। राहुल के कोई दोस्त नहीं होते, ना राहुल अपने पापा से ज़्यादा कुछ शेयर करता है। राहुल बस अकेले कमरे में अपनी मरी हुई माँ से फ़ोन पर बातें करता है। शायद राहुल का पागलपन उसकी माँ के मरने के बाद शुरू हुआ होगा। राहुल अपनी माँ को किरण जैसी बहू देना चाहता है। राहुल पूरी फिल्म एक जैसा नहीं रहता, वो पूरी फिल्म बदलता रहता है। शुरू में तो राहुल उतना खतरनाक नहीं लगता, पर धीरे धीरे वो कातिल बनने लगता है। सुनील जैसा बलवान आदमी भी राहुल के सामने कमज़ोर दिखने लगता है। फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है फिल्म के दो चेज सीन। इन दो चेज सीन में फिल्म का थीम समाया हुआ है। फिल्म का पहला चेज सीन, जब राहुल अपनी पिस्तौल से दिन दहाड़े सुनील पर गोली चलाता है। इस सीन में राहुल पूरी तरह डिटरमाइंड है, राहुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और सेल्फ कंट्रोल में भी है। गोली सुनील को नहीं लगती और सुनील राहुल के पीछे दौड़ पड़ता है। बॉम्बे की तंग गलियों में राहुल सुनील से भागता जाता है, सुनील भी पूरी ताकत से राहुल का पीछा करता है। बैकग्राउंड में इंटेंस तबले की धुन बजती है, जो इस चेज सीन के इम्पैक्ट को और बढ़ा देती है। राहुल सुनील के चंगुल से बच जाता है और सुनील का एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म का दूसरा चेज सीन, जब सुनील को शक होता है कि दोस्त बनकर आया हुआ राहुल वही आदमी है जो किरण का पीछा करता है। सुनील माउथ हारमोनिका से राहुल का वही धुन प्ले करता है जो किरण का पीछा करने वाला अक्सर बजाया करता था। राहुल उस धुन को सुनकर हिल जाता है, राहुल उस धुन को चेज करने लगता है किसी पागल की तरह। इस बार राहुल बिल्कुल कमज़ोर है, राहुल के अंदर केओस मचा हुआ है, राहुल का खुद पे कोई कंट्रोल नहीं। जैसे ही धुन बजनी बंद होती है, राहुल घने जंगल में पेड़ों के जाल के बीच जोर जोर से हंसने लगता है किसी पागल की तरह। राहुल के अंदर का पागल बाहर निकल कर जोर से चिल्ला उठता है। फिल्म के अंत में राहुल मर जाता है, पर मरते हुए राहुल खाली नज़रों से किरण को देखता रह जाता है। किरण को राहुल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की इम्तिहा नज़र आती है जब वो देखती है राहुल के सीने पे गुदा हुआ अपना नाम। दुनिया की कोई भी लड़की ये डिज़र्व नहीं करती कि कोई सर फिरा उसे पाने भर के लिए उसकी ज़िंदगी नर्क बना दे। इस फिल्म में राहुल के किरदार को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। राहुल का डर ही उसका पागलपन था और उसका पागलपन ही किरण का डर। इस वीडियो में इतना ही। इसे पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको डर फिल्म पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको शाहरुख खान पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।